नमस्कार प्रिय साथियों, मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का गोल्डन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में परमाणु के बारे में पढ़ चुके थे, परमाणु के मौलिक कणों के बारे में पढ़े थे, साथ ही साथ परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु क्रमांक के बारे में विस्तृत जानकारी ले चुके थे। आज के इस क्लास में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहा जाता है ये देखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का प्रोसेस देखना है और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे आपको कौन कौन से सवाल सॉल्यूशन हो सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सभी देखेंगे और जो भी हमारे इस चैनल पर नए बच्चे होंगे वे इस चैनल को अब सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे ताकि जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा किसे जाता है। इसको जानने से पहले आप थोड़ा सा ये समझ लो कि परमाणु क्या था। तो परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा पार्टिकल था। इस परमाणु की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो जॉन डाल्टन को जाता है। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य एवं नित्य होते हैं, परंतु वर्तमान समय में परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। कितने कणों में, तो मुख्य रूप से 3 मौलिक कणों में। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा किया हुआ है, लेकिन अभी यहां पर समझना परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं बाबू। तो परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और कौन सा न्यूट्रॉन। कंप्लीट है। तो सवाल यह उठता है कि परमाणु का आकार कैसा है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि परमाणु का आकार कैसा है, गोलाकार है। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर में वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इतना हमने समझा था। अब टॉपिक हमारा प्रारंभ हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। विन्यास का मतलब यहां पे समझना तोड़ना है, यानी इलेक्ट्रॉनों को बंटवारा करना है। तो इसका परिभाषा समझो आप पहले कि परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उसकी कक्षाओं तथा उपकक्षाओं में बांटना या वितरण करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। यहां पे ध्यान रखिएगा, हमने 2 बातों की चर्चा किया। पहला उसकी कक्षाओं और दूसरा हमने बोला उसकी उपकक्षाओं, यानी यहां पे 2 पार्ट होगा। एक हमारा सेल में बटेगा, दूसरा हमारा सब सेल में बटेगा। तो इसके आधार पे भी हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 तरह से सीखने वाले हैं, एक कक्षा के आधार पे, दूसरा उपकक्षा के आधार पे। जहां पे कक्षा के आधार पे आपने सुना होगा के एल एम एन में तोड़ा जाता है, यानी 2, 8, 18, 32 में। कैसे होते हैं ये आप इसी वीडियो में जानेंगे। और उपकक्षा में भी सुना होगा SPDF में टूटता है, 1s2 2s2 2p6 वाला। तो ये कैसे होगा, उपकक्षा के आधार पे। ये कौन सा सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, तो ये अपवाह सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। ये भी हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का परिभाषा आपको कंप्लीट हो जाता है कि किसी परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उसकी कक्षाओं तथा उपकक्षाओं में वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। कोई तकलीफ नहीं है यहां पे। जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो बाबू परमाणु का आकार कैसा है, गोलाकार। जब परमाणु का आकार गोलाकार है और उसके 3 मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये कहां पे उपस्थित होते हैं पहले इसके बारे में देख लीजिए आप। परमाणु के बीच में नाभिक होता है। इस नाभिक में कौन सा आवेश होगा, धनावेश होगा। ध्यान रखिएगा, परमाणु के बीच में नाभिक है, इसमें कौन सा आवेश है, धनावेश। इसको हमने प्लस से डिनोट कर दिया। इस नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होंगे, इसमें 2 पार्टिकल उपस्थित होगा, कौन कौन सा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
और परमाणु के नाभिक में ही परमाणु का समस्त भार केंद्रित रहता है, अर्थात आपने पिछले क्लास में देखा था ए बराबर पी प्लस एन, यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटोनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का कुल योग। कंप्लीट हो जाता है। तो परमाणु के तीन मौलिक कण में दो कण को तो आपने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में रहते हैं, बचा एक पार्टिकल कौन सा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां रहता है? तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इसी को कहा जाता है सेल। ध्यान से समझिएगा, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उसे हम कहते हैं सेल। ये जो आपका वृत्ताकार कक्षा है यही हमारा कहलाता है क्या बाबू, सेल। या फिर इसी को हम कहते हैं ऊर्जा स्तर, या हम लिख रहे हैं कौन सा, ऊर्जा स्तर। इसी को आप इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी लेवल। यही से जब आप आगे पढ़ोगे क्वांटम संख्या पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे आप डिनोट करोगे किससे, एन से। यानी कि इसे हमने कितने नामों से यहां पे दर्शाया, या तो हम इसे कक्षा कह सकते हैं, इंग्लिश में सेल कह सकते हैं, या ऊर्जा स्तर कह सकते हैं, और इसे जो डिनोट करेंगे वो किससे, एन से। कंप्लीट। अब ये n का वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस n का मान हम लोग n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 के रूप में हम लिखते हैं। यानी ये जो आपने कक्षा लिखा है सेल जो है ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। किधर से किधर की ओर, तो गौर से समझना, सेल को जब भी आप दर्शाते अंदर से बाहर की ओर, ये हमारा पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये हमारा कौन सा है, पांचवा है। इसी को हम सांकेतिक रूप में जहां पे आपने के 1, 2, 3, 4 रखा है उसका संख्या के रूप में मान रखा है, उसी को सांकेतिक रूप में हम लिख सकते हैं के एल एम एन ओ डॉट डॉट डॉट। यानी ये जो हमारा पहला कक्षा है इसको हम सूचित कर सकते हैं के से, दूसरा को एल से, दूसरा नंबर हमारा कौन सा हो जाता है एल, तीसरा है एम है, एन है, ओ है, इससे और भी अगर आगे जाएगा तो ओ पी क्यू आर आपको बढ़ता चला जाएगा। कोई तरह का दिक्कत यहां तक में नहीं। अब यहां पे दो बातों को समझना था आपको, एक कक्षा, दूसरा उप कक्षा। कक्षा तो आपने समझा कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार रूप से चक्कर लगाते उसे हम कहते हैं कक्षा, या फिर सेल, या ऊर्जा स्तर, या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल उठता है उपकक्षा कहां होता है, तो ध्यान से समझना, कक्षा के अंदर होते हैं उपकक्षा यानी सब सेल। क्या समझा आपने, पहले तो कक्षा समझ लिया के एल एम एन कक्षा है हमारा, और इस कक्षा के अंदर क्या होगा, उप कक्षा जिसे हम डिनोट करेंगे किससे, एस पी डी और एफ से। अभी तक हमने ये नहीं जाना है कि कक्षा के में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एम में कितना होगा, या फिर एन में कितना होगा, इसको भी अब देखना है हमको। आगे बढ़ते हम लोग, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो मेरे को समझ में आ गया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था। तो अभी तो आपने परमाणु देख लिया, परमाणु का आकार देख लिया, उसकी कक्षाओं को देख लिया, और उसकी उपकक्षाओं के बारे में भी समझा कि कक्षा के अंदर होगा उप कक्षा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उसके कक्षाओं और उपकक्षाओं में वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने तरह से आप कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम दो तरह से कर सकते हैं बाबू, कौन किस किस सिद्धांत के अंतर्गत। एक हमारा आएगा बोर ब्यूरी योजना के अंतर्गत, और दूसरा हमारा होगा एस अफबाउ सिद्धांत के अंतर्गत। ये जो हमारा बोर ब्यूरी योजना है
ये किस पे डिपेंड होगा, यहीं पे मेरे, ये जो पढ़ेंगे हम लोग कक्षा के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसमें। जबकि अफबाउ सिद्धांत में हम लोग उपकक्षा के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने चलेंगे। कक्षा कौन कौन सा था हमारे पास में, तो कक्षा होगा बाबू के एल एम एन। वही उपकक्षा कौन कौन सा है, एस है, पी है, डी है, एफ है, कोई तकलीफ नहीं। अब यहां पे थोड़ी देर आप ये पहले समझ लो कि बोर ब्यूरी योजना क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो मेरे को समझ में आ गया क्या है और कितने तरह से करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को यह जानना है कि यह बोर ब्यूरी योजना क्या है और अफबाउ सिद्धांत क्या है। इस लेक्चर में हम लोग पहले बोर ब्यूरी योजना को पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अफबाउ सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो सबसे पहले ये देखना ये बोर ब्यूरी योजना के अंतर्गत आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो हमने बाबू अभी पढ़ा था, अभी दो पार्ट में आपको दिखा दिया, एक कक्षा है, दूसरा कौन सा, उपकक्षा है। कक्षा सेल, उपकक्षा सब सेल। कक्षा कौन कौन सा आपके पास में आया है बाबू, तो आपके पास में आया है कक्षा के एल एम एन ओ पी, आगे बढ़ता जाएगा। उपकक्षा कौन कौन सा आया, एस पी डी और कौन सा है, एफ। अब एक बात उठता है, कक्षा के में कितना इलेक्ट्रॉन, तो अभी मैं सिंपल सा आपको दिखा रहा हूं इसको कैसे निकालना ये भी मैं समझाऊंगा। कक्षा के में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, कक्षा एल में होगा 8 इलेक्ट्रॉन, कक्षा एम में होगा 18 इलेक्ट्रॉन और कक्षा एन में होगा 32 इलेक्ट्रॉन। गौर समझिएगा, के एल एम एन डॉट डॉट, आप आगे भी बढ़ सकते हैं लेकिन यहां पे हम चार ही ले रहे हैं पहले। के एल एम एन, कक्षा के में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। उसी तरह से उपकक्षा एस में कितना होगा बाबू, तो इसमें 2 है। आगे आप चार चार जोड़ते जाइए, बढ़ते चलेंगे। पी में 4 जोड़ोगे 6, डी में 4 जोड़ोगे 10, एफ में 4 जोड़ोगे 14, कंप्लीट हो जाता है। यानी कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 18, एन में 32। उसी तरह से एस उपकक्षा में यानी एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल में 10 और एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट। अभी मैंने एक सेंटेंस बोला था, कक्षा के अंदर उपकक्षा होते हैं, तो कक्षा के अंदर उपकक्षा होते तो ये भी तो बात होगा कौन कौन से कक्षा में कौन कौन से उपकक्षा होंगे। तो अब इसको थोड़ा सा बाबू बैक चलिए, हमने अभी कुछ देर पहले ये वाला ग्राफ देखा था, आपने के एल एम एन ओ से डिनोट किया था, इसको 1 2 3 4 से डिनोट किया था ना। अब जरा गौर कीजिएगा, कक्षा के में कितना इलेक्ट्रॉन, अभी आपने पढ़ा कि सर कक्षा के में जो इलेक्ट्रॉन होगा ना ये कितना है, 2 है, एल में 8 है, एम में 18 है और एन में कितना है, 32। आपने ये चीज देखा, कैसे निकाला है अभी मैंने समझाया नहीं, वो मैं आगे दिखाऊंगा। लेकिन यहां पे ये बात इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जानना कि मैंने बोला था कक्षा के अंदर उपकक्षा होती, यानी सेल के अंदर सब सेल होंगे। कैसे, तो सेल तो मैंने पढ़ लिया, अब इसके अंदर सब सेल होंगे। तो एक चीज यहां पे 2 8 18 32 तो समझ में आपको आ जाता है। तो अब थोड़ा सा अभी आपने यहां पे क्या पढ़ रहा था, कक्षा के में इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू, 2। कक्षा के में कितना है, 2। तो जब कक्षा के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2, तो हम यहां पे गौर करते हैं, एस में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 और पी में कितना रहेगा बाबू, 6। तो क्या कक्षा के हमारा ऐसे ही पूरा हो जाता है, क्योंकि इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एस एस आपका सबसे लिया। यहीं पे मैं अगर के बाद एल देखता हूं, एल को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा आपको उपकक्षा आएगा, तो यहां पे देखेंगे एस प्लस पी, क्यों एस प्लस पी, एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, अब पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। आपने पढ़ाया अभी कुछ देर पहले कि इसमें 2 इसमें 6, 6 2 कितना हुआ बाबू, 8, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना रख सकता है, 8, कंप्लीट हो जाता है। के एल, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं एम, एम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 18,
इसमें कौन कौन सा उपकक्षा होगा, तो इसको गौर करना, एस प्लस पी प्लस डी। कैसे? तो एस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, पी में छः, डी में दस। छः दो आठ, दस कितना हो जाता है, अठारह, अठारह ही तो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, एन में कितना है बाबू, तो आपने पढ़ा 32 होता है सर। कौन कौन से सबसेल होंगे, एस प्लस पी प्लस डी प्लस कितना एफ। इसको कैसे निकालोगे, तो इसको निकाल सकते हैं, यहाँ पे दो है, छः है, दस है, चौदह है। देखो दो छः दो कितना हुआ, आठ, आठ दस अठारह, अठारह और चौदह अगर यदि कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 32। कंप्लीट हो गया यहाँ तक में। यानी अब मेरे को समझ में आ जाता है कि कक्षा के में, इसमें कक्षा के में कौन कौन से सबसेल रहेंगे बाबू। क्या मैंने समझा, यहाँ पे सर एस रहेगा, इसमें एस प्लस पी रहेगा, इसमें एस प्लस पी प्लस डी रहेगा, यहां एस प्लस पी प्लस डी प्लस कौन सा रहेगा, एफ रहेगा। कोई तरह का तकलीफ है किसी को, यानी कौन कौन से कक्षा होंगे ये समझ में आ गया, उपकक्षा समझ में आ गया, कक्षा के अंदर उपकक्षा रहता है ये समझ में आ गया, और किस कक्षा के अंदर कौन कौन से उपकक्षा रह सकते हैं ये भी मेरे को समझ में आ गया, और किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे ये भी हमने देखा। यहां तक में किसी को भी कोई समस्या नहीं हो सकता है। अब हम लोग आगे देखने के लिए जा रहे हैं, बोर-ब्यूरी योजना ये क्या है। अगर तो ये समझ में आ जाता है तो आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरह से, बोर-ब्यूरी योजना के अंतर्गत और अफबाउ सिद्धांत के अंतर्गत। अफबाउ सिद्धांत मैक्सिमम बच्चे जान रहे हैं कि एसपीडीएफ पे होता है, 1s2 2s2 ये लिखते हैं, और बोर-ब्यूरी योजना में किसके आधार पर आप बांटोगे, के एल एम एन के आधार पर। अब मेरे को यह समझना है कि कैसे हम के एल एम एन के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, क्योंकि जब आपको ये समझ में आएगा तो आप आसानी से प्लस और माइनस को दर्शा पाओगे। जब पॉजिटिव नेगेटिव को दर्शा पाएंगे तो आपको कंपाउंड बनाने में या फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखने में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि बोर-ब्यूरी योजना क्या है, इसमें हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहली बात समझिएगा, अभी आपने पढ़ा कि परमाणु का आकार कैसा है बाबू, गोलाकार है। उसके बीच में क्या है, नाभिक है। नाभिक में कौन सा आवेश, धनावेश। इसमें कौन कौन से पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और कक्षा का नामकरण आपको किस प्रकार करना है इस योजना के अंतर्गत, अंदर से बाहर की ओर। तो ये वाला हमारा क्या है, के एल, ये एम, और ये वाला कौन सा, एन। के हमारा कितना नंबर कक्षा है, अंदर से बाहर की ओर चल रहे हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये कौन सा है, चौथा है। बोर-ब्यूरी योजना में ये ध्यान रखना, सबसे पहली बात, नामकरण जो आपको करना है अंदर से बाहर की ओर, यानी कक्षा संख्या को प्रारंभ अंदर से बाहर की ओर किया आपने, 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन भी जो भरना प्रारंभ होगा वो अंदर से बाहर की ओर भरेगा। कंप्लीट, दो पॉइंट यहां पे ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट, परमाणु के किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है। गौर से समझिएगा, हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बाबू कितनी होगी, 2n स्क्वायर। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी ये है कक्षा संख्या। इसका वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। अब अभी आपने तुरंत पढ़ा है कि कक्षा के हमारा पहला नंबर है, दूसरे नंबर पे हमारा एल है, तीसरा पे एम है, और चौथा पे कौन है, एन है। अब कक्षा के में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये तो हमारा समझ में आ जाता है कि सर ये वाला एन है, और ये सभी क्या है, कक्षा का नाम है। ये बाबू क्या है, नाम, और ये है एन के कक्षा का संख्या। अब यहां पे कक्षा के में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर हो सकती है। तो इसको आप एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहां पे हमारे पास में सबसे पहले कक्षा का नाम ले लेते हैं,
कक्षा का यहाँ पे हम नाम लिखने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे कक्षा का संख्या लिखने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब कक्षा के हमारा कितना नंबर है, कक्षा का नाम पहले कौन कौन से बाबू, के है, एल है, एम है, और कौन है, एन है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन कक्षा के कितने नंबर पे, पहला पे, ये दूसरा पे, ये तीसरा पे, और ये कितने नंबर पे, चौथा नंबर पे। कक्षा के में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो बाबू इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था सर, 2n स्क्वायर होता है ना, तो n यहां पे यही है, ये जो आपने लिखा 1 2 3 4 यही है हमारा n। अगर हम 1 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, एक मिनट, 2n स्क्वायर था ना, तो 2n स्क्वायर था तो यहां बाबू 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 × 1 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाता है, 2। अगर यदि l में देखें, l के लिए n का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 × n स्क्वायर था ना, तो 2 का स्क्वायर करोगे, 2 × 2 = 4, और 2 × 2 आंसर कितना आ जाएगा, यहां पे 8 हो जाता है। अगर आप m में देखना चाहते हो तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 × 3 = 9 कितना हो जाता है, 18। आगे बढ़ते हैं, n में देखना चाहते हैं 2 × 4 का स्क्वायर, 4 × 16 कितना हो जाता है, 32। किसी को भी ये समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2, 8, 18, 32 में क्यों करते हैं, क्योंकि कक्षा के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। किस फॉर्मूला से निकला, 2n स्क्वायर से। अगर यदि आपसे सवाल कहे कि किसी परमाणु के छठे कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी हो सकती है, तो आप आंसर मारेंगे 2 × 6 = 6×36, और 2 करोगे आंसर आ जाएगा आपका, कोई तरह की समस्या नहीं है। अब हम लोग इसी को यहां पे लिख सकते हैं, जैसे कि आपको 1 2 3 4 यहां पे था, इसमें मैं आसानी से लिख सकता हूं कि के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया था अभी, 2, इसमें 8, इसमें 18, और इसमें 32, कंप्लीट। अब बोरबेरी योजना में यह समझ में आ गया कि परमाणु की किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2n स्क्वायर, ये तो समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करना है वो कैसे, पहले आपका अंदर वाला कक्षा भरेगा, ये अगर पूरा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आगे वाली बाहर वाली कक्षा में जाएगा, वो भी फुल हो जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में प्रवेश करता है। तो इसके आधार पे आपको ये चीज समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमारा ये आधारित होगा 2, 8, 18, 32 पे, ये किस प्रकार हम लोग करेंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।